खबर मथुरा से। मथुरा के कारागार में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में इस बार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर बिहारी जी को जेल के बंदियों द्वारा बनाई की ठाकुर जी की पोशाक धारण कराई जाएगी। जहां बांके बिहारी मंदिर में ऐसा पहली बार होगा जब भगवान बांके बिहारी जी जेल में बनी पोशाक को धारण करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव को अपनी कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसकी मौत भी इन्हीं देवकी मैया के गर्भ से पैदा होने वाली संतान के हाथों होगी। इसीलिए उसने अपनी बहन और बहनोई दोनों को, यानी श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर लिया था। तभी कारागार में भादों की अष्टमी को श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और वहीं भादों की अष्टमी अब आने वाली है जब 7 तारीख को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जानी है। चूंकि भगवान जेल में जन्मे तो इस बार जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने सोचा क्यों ना हम अपनी तरफ से कैदियों के द्वारा इस तरह की पोशाक बनाएं जो कि अष्टमी के मौके पर भगवान बांके बिहारी को पहनाई जाए, और उसकी पोशाक में कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। जिसके लिए प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति इस पोशाक को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी समाज के सेवायत को सौंपने वाले हैं। वहीं इस पोशाक में राधा कृष्ण दोनों के ही 11 वस्त्र हैं जो कि पूरे भेंट किए जाएंगे। हमने तैयार किया है लेस वगैरह से और कपड़ा आरकंडी बुकरम उनके लिए बांके बिहारी लाल के लिए तैयार किया है। कितने दिनों की मेहनत के बाद बनाई और कैसी ये सोच आई कि आप जेल में बंद होने के बावजूद भी इस तरह के भगवान की पोशाक बनाए? सर, हमारे ये सौभाग्य है कि बांके बिहारी लाल के लिए हमने पोशाक जो तैयार की है, और जी हमको इसमें इतना टाइम लग गया, 5 दिन करीब लग गया है इसमें। अच्छा, कितने लोगों ने ये पोशाक बनाई थी और कितने पीस इसमें बनाए गए, क्या क्या बनाया है? सर, हमारे साथ में जो 8 जने हैं, 8 जनों ने बनाई है पोशाक, मिलकर तैयार किए पीताम्बर की। क्या क्या बनाया है इसमें? इसमें सर, इसमें लहंगा है, चोली है, पटका है, उगनी है, और पिछवाई है, कमरबंदी है, और अन्य कई सामान। जेल अधीक्षक जो है उन्होंने कितनी मदद की इस कार्य में? सर, बहुत मदद की है हमारी, बहुत ज़्यादा मदद की है सर। पोशाक बनाई गई है कैदियों के द्वारा, किन भगवान की पोशाक है और कितने दिन की मेहनत के बाद ये पोशाक किस तरह से भगवान जी को कौन कब पहने जाएगी? देखिए, जिला कारागार मथुरा में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बंदियों की पूर्ण सहभागिता उसमें दर्ज कराई जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों के आराध्य श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म कारागार में हुआ था, और कारागार ही उनकी मूल जो है जमी है, मूल जन्म स्थान है। तो इसलिए इस बार हम लोगों द्वारा एक विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने आराध्य देव को बंदियों द्वारा निर्मित पोशाक अर्पित की जाए। इस विचार के आने के पश्चात हम लोगों द्वारा 8 बंदियों की टीम बनाई गई और कपड़े का चयन किया गया, और 1 सप्ताह लगा हम लोगों को इंटरनेट के माध्यम से। हम लोगों ने डिजाइन देखी, साइज़ देखा, सब कुछ देखने के बाद इस रणनीति पर पहुंच के 1 सप्ताह में हम लोगों द्वारा पोशाक तैयार कराई गई, और उस पोशाक को प्रभु श्री बांके बिहारी के चरणों में हम लोग अर्पित करेंगे। वहाँ के गोस्वामी जी लोगों से वार्ता करने के उपरांत ही हम लोग द्वारा उनको भेंट दी जाएगी। और जब हम लोगों द्वारा इसे बनाया गया तो माननीय मंत्री जी जब इस न्यूज़ को पढ़े तो उन्होंने बड़े हर्ष व्यक्त किया, और साथ ही यह कहा है कि मैं कल 6 तारीख को स्वयं, मतलब उनका स्वयं आने की प्रयास है कि मैं स्वयं आकर के बिहारी जी को यह जो है पोशाक स्वयं अर्पित करूंगा। तो हो सकता है कि कल माननीय मंत्री जी भी आएँ और इस पोशाक को गोस्वामियों को दें ताकि वो बिहारी जी को धारण करा सकें। इसमें सर कितने पीस हैं और क्या क्या है जो बंदियों के द्वारा बनाया गया है जिसे ठाकुर जी धारण करेंगे? देखिए, यह रेशम सितारे और अन्य कढ़ाई लेसेस लगे हुए हैं, और साथ ही यह 22 मीटर में कपड़ा निर्मित हुआ है। लगभग 11,000 रुपये इसमें कॉस्ट आई है, मजदूरी छोड़ के सिर्फ कपड़े की। और ये जो है कपड़ा जो है हल्के पीले कलर पे है। कहा जाता है कि उस दिन जो है पीताम्बर के स्वरूप में प्रभु आते हैं, बांके बिहारी जी पीताम्बर के स्वरूप में आते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो है
उनको जो है ये कपड़ा अर्पित करें, पीताम्बर वस्त्र बाबा। कौन कौन से कपड़े हैं इसमें भगवान जी के? इस 11 कपड़ों का सेट है, मतलब इनका एक ही जोड़ा है लेकिन 11 कपड़ों का सेट होता है। जैसे ऊपर की कुर्ता होता है, धोती होती है, राधा जी की लहंगे होते हैं, गमछा होता है, बिछौना होता है, चोटी होती है, गले का होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों का जोड़ बना के 11 जोड़े मतलब 11 जोड़ बन के एक वस्त्र तैयार होता है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।